हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज इस क्लास में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, मानचित्रकार, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ना 10 अंक का पूछा जाता है। 10 अंक, ये 10 अंक बहुत ज़्यादा है और बहुत बच्चे हैं ना सामाजिक विज्ञान के ये टॉपिक पर ध्यान नहीं देते हैं, एग्जाम के समय ध्यान देते हैं, बड़ी गलती कर देते हैं। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न ऐसा है ना कि ये हर साल रिपीटेड प्रश्न होता है। जैसे ये पार्ट 5 है, आगे आने वाला जो वीडियो होगा पार्ट 6, पार्ट जो पहले का जो वीडियो है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए, हम बिना समय बर्बाद किए ये जो मानचित्रकार है इसको हम करते हैं बहुत सिंपल तरीके से। जैसे पहला प्रश्न यहां पर दिया हुआ है ना कि राणा प्रताप सागर बांध, ये बॉक्स द्वारा चिन्हित करना है इस मैप में। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है। सबको पता है होगा, जो पढ़े होंगे नहीं पता है वो जान लीजिए, राणा प्रताप सागर बांध है वो राजस्थान में है। तो राजस्थान कहाँ पर है, यहाँ पर मैप में राजस्थान अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। देखिए, ये सब उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, ये सब बता चुके हैं पार्ट 1 में। तो ये है राजस्थान। तो इसको भरना कैसे, इसको बॉक्स बनाना है ऐसे इतना बड़ा सा, और इसको तीर लेके जाना है, और ऐसे क्या करना है, लिखना है राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है, और यहाँ पर पहले ऐसे डाल देना है। बात समझिए, भरने का तरीका भी मालूम होना चाहिए तभी अंक मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी बता दे 90% आएगा, 95 आएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ बुद्धि भी अपना भी लगाना पड़ेगा। बात बुरा है बाकी सच है यार, बात मानिए आप लोग। दूसरा प्रश्न, इसको उतारते रहिए साथ में उतारते रहिए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है कि चाय उत्पादन का क्षेत्र को ये ऐसे चीन द्वारा दर्शाना है, ये चीन है इसको द्वारा दर्शाना है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चाय का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है। चाय का उत्पादन सबसे अधिक असम में होता है। इस मैप में असम कहाँ पर है, देखिए 2-3 बार भरेंगे प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो चाय उत्पादन का क्षेत्र जो है वो है असम। तो ये है असम। तो असम को ऐसे चिन्ह बनाना है ऐसे, और इसे लिख जाना है यहाँ पर, ऐसे लिखना है चाय, और चाय लिख कर यहाँ पर दूसरा अंक ऐसे डाल देना है। बात समझ, एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ चाय उत्पादन सबसे अधिक यहीं पर होता है। लिख देना है, थोड़ा दिखाई देगा अच्छे से। अब देखिए, तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि लौह इस्पात उद्योग का एक केंद्र इस चिन्हित द्वारा, चिन्हित मतलब नाम दर्शाना है इसमें। तो लौह इस्पात मतलब ये कहाँ पर सबसे अधिक होता है, ये होता है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ यार लिख लीजिएगा यहाँ पर, छत्तीसगढ़, और यहाँ पर लिख दीजिएगा राजस्थान। देखिए याद होगा ना, ये लिख दीजिएगा असम, ठीक है, इतना समझ में आ गया छत्तीसगढ़। तो इस मैप में छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, ये है। तो इसको ऐसे करना है, और ऐसे जैसे है वैसे करके यहाँ पर लिखना है क्या, लौह इस्पात, और चौथा नंबर है तीसरा, तो तीसरा ऐसे डाल देना है। ये जगह नहीं है इसलिए यहाँ बता रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर चौथा प्रश्न कह रहा है ना कि रांची नगर को इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। अब सबसे पहले पता होना चाहिए कि रांची जो नगर है वो इस मैप में कहाँ पर है, किस राज्य में है। तो रांची नगर है यहाँ पर लिखिए झारखंड में है, झारखंड। अब झारखंड कहाँ पर इस मैप में, ये है बिहार के नीचे झारखंड, ये है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो इसे गोला करना है और बीच में बिंदु बनाना है, और यहाँ पर लेके जाना है, लिखना है रांची नगर, और डालना है चौथा नंबर ऐसे। एग्जामिनर को ना यार एकदम अच्छे से मतलब दिखाई देगा तभी नंबर देगा, बोलेगा बच्चा बढ़िया से भरा हुआ है। अब देखिए, पांचवा प्रश्न है, नर्मदा नदी है वो इसको चिन्ह द्वारा दर्शाना है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी सबसे अधिक जो होता है ये मध्य प्रदेश में बहती थी, ये मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश यहाँ लिखेंगे मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश लिख कर ये नर्मदा नदी का जो चिन्ह है इसको ऐसे करना है, और यहाँ पर लिखना है नर्मदा नदी, ऐसे लिख देंगे तभी एग्जामिनर समझ जाएगा इसको उस चिन्ह द्वारा मतलब दर्शा देना है। तो बस आपसे यही कहेंगे कि पार्ट जो पहले 1 से लेकर 4 तक देख लीजिए, 5-5 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, और इसको भी देख लीजिए। देखिए 10 अंक चाहिए ना, तो 10 अंक में 5 मिनट का वीडियो देखेंगे तो आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, देख लीजिए। और सबसे अधिक नंबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।